उत्तर प्रदेश के लिए मंगलवार का दिन नई सौगात लेकर आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना 6 लेन का एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद यहां वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी दिखाया, जिसमें पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाने वाले विमान शानदार करतब दिखाते हुए नजर आए। इस दौरान राफेल, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट ने टच एंड गो ऑपरेशन किया, यानी विमान उड़ते हुए आए और जमीन को छूकर दोबारा उड़ गए। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर कार सड़क बनाई है। मंगलवार को गिनीज बुक की ओर से सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को इस सड़क के निर्माण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने सिख तीर्थयात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी। अमेरिका ने रूस से भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर चिंता जताई है। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि सौदे पर अमेरिका क्या रुख अपनाए और इससे कैसे निपटे, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा को एक बड़ा झटका लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 17 विधायक BJP में शामिल हो सकते हैं। यूपी में जीका वायरस के बाद अब डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 25,800 डेंगू केस मिल चुके हैं, जो पिछले साल से 8 गुना अधिक हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से हाहाकार के बीच मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अहम बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पराली पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। ICC ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है। ICC ने 2024 से 2031 के बीच T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के मेजबानों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत भारत में 3 बड़े टूर्नामेंट और साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन श्रीलंका के साथ मिलकर करेगा, तो वहीं 2029 में भारत अकेले दम पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा और साल 2031 में बांग्लादेश के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान द्रविड़ ने कहा कि टीम को सफल बनाने के लिए हम हर कदम उठाएंगे, तो वहीं रोहित शर्मा ने कहा कि कोहली हमारे लिए बेहद अहम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।